लो जी, मैं अज बड़े दिनों बाद वीडियो पाउन लगे हाँ, क्योंकि मेरे जो मैं नौकरी करना उस बड़ा काम का जोर पिया, तो हुकूमत की तरफों भी नवी नवी हदायत आ रही ने, तो सारे काम जोड़े वो करने पै रहे हैं, और दफ्तर का जोड़ा काम वो तो लाजमी है ना जी। इस वास्ते मेरा कोई टाइम नहीं सी लग रहा, तो मैं वीडियो नहीं बना सकया। अज मेरा थोड़ा जि टाइम लग्या, तो अज मैं वीडियो बना रहा, तो वीडियो भी मैं जड़ी है ना जी अपनी, पहले थोड़ा एक वीडियो दसिया कि मैं सुजुकी मोटरसाइकिल लिया सी 110 GD 110, वो बेचिया, बेच के तो यामा 125 DX नवा मॉडल आया वो लिया, वो थानू थोड़ा जहा दिखाने हैं, तो उसके मुतलक थानू दस दें कुछ। तो मेरी तरफ तो सारू जो जड़े जड़े वीडियो देखते हैं उन्होंने मेरी तरफ तो अस्सलाम वालेकुम। वीडियो नू देख के लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे करो। क्योंकि सानू तेरा अपने जिहड़े देखण वाले आ साडे वो बड़े प्यारे ने, सानू बहुत ही प्यारे ने। ते मैं माजरत चाहना कि मैं लेट वीडियो पाना, मेरा टाइम नहीं लग रहा, जदों भी इंशाल्लाह ताला टाइम मैनू लग्या मैं हूँ इंशाल्लाह ताला वीडियो पाए करांगा ते जरूर पावांगा। एक मेरे दोस्त ने किया सी कि 45 चक जिहड़ा है जी थोड़ा उन्हूं दिखाओ, मैं उस दोस्त नूं कहांगा कि उहदी फरमाइश ते दिखावांगे, चक भी सारा दिखावांगे, लेकिन मैं एक दो वीडियो दे विच जिहड़ा ना जी चक दिखाया, वैसे पहले भी दिखाया, तो इंशाल्लाह फिर दिखा देंगे पूरा चक। लो जी हुण थानूं थोड़ा जिहा यामा GDX ना DX ऐ यामा लिया जी मैं, ए देखो इहदी जिहड़ी एवरेज है ना जी वो बहुत अच्छी है। तो पहले तो मैं ये मतलब बिल्कुल नहीं सी पता, ऐ टैंकी का ग्राफिक है 125 DX, इनका नाम उन्होंने DX रखिया क्योंकि ये पहले अलायरिम और डिस्क ब्रेक नहीं सी आया, हूँ उन्होंने अलायरिम और डिस्क ब्रेक दे के इनू DX यदा नाम रख दिता। ये फैमिली यामा पाँदा, इन्हों के दो मॉडल होर भी ने, वो स्पोर्ट्स टाइप के ने, सिर्फ जड़ा ना जी अजकल दी नौजवान नसल जी है वो उन्होंने वास्ते बनाए ने, लेकिन सानू तो इन्ना सोहने लगते, मुंडिया सोहने लगते हैं। ये फैमिली यामा जड़ा मैं तो सिर्फ अपनी सवारी वास्ते लिया, इहदा देखो ना ये जड़ा यामा ना जी ये बिल्कुल इहदी सीट भी सीधी है, तो ये जड़ा ना जी सवारी दे हक भी बहुत अच्छा है। इहदा जड़ा असल कलर है वो ऐ जे माडी गार्ड वाला रेड कलर, तो अलाय रेमे दे आ ने ब्लैक कलर च, ऐ दी डिस्क ब्रेक हाँ जी, ये डिस्क ब्रेक च इन्होंने दिया है, ऐ दी डिस्क ब्रेक आ गई जी, अलाय रिम आ गए, कलर इहदा रेड, तो ए इशारे बहुत अच्छे बनाए इन्होंने, दूजे कंपनियां इशारे अच्छे नहीं लादियां, देखो ना इशारे, इशारा टुटदा नहीं, मुड़ जांदा टुटदा नहीं, ऐ दी गोल लाइट दी उन्होंने, ऐ दे 2 मीटर ने, ऐ रेस वाला मीटर है, ऐ दा एवरेज दाला मीटर है, तो ऐ दी जिहड़ी टैंकी फ्यूल दा जिहड़ा सूई दस दी जिहड़ी वो है, सीट दी बड़ी अच्छी है, टैंकी जिहदे तकरीबन 14 लीटर तेल 13 लीटर पैंदा, तो मुकदा भी नहीं इन्ना तेल जिहड़ा ना जी मुकदा भी नहीं। इधर इहदा सलेंसर ऐ मैं जिहड़ी इहदे ते टेप करवाई है सलेंसर ते,
ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰੈੱਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਰੂਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਲੈਕ ਮੈਰੂਨ ਇੱਕ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਆ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸਾਰੀ। ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਰੂਨ ਕਲਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਡੀ ਗਾਰਡ ਇਹ ਚੈਨ ਕਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਡੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਓ। ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹ 52-50 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚਲਾਈਏ ਫਿਰ 40-38-40-42 ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਸੋਫਟ ਚੱਲਦਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਹਜੇ ਮੈਂ ਸਪੀਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਪੀਡਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ 808 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਨਿੰਗ ਆ ਉਹ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੋਬਾਇਲ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏਗੀ, ਮੋਬਾਇਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਮਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਟਿਊਨਿੰਗ, ਔਰ ਟਿਊਨਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 70 ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸਿਰਫ ਰਫ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਅਲਾਇਰਮ 'ਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਚਾਈਨਾ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਅਲਾਇਰਮ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਵੀਲ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵੀ 2 ਮੀਟਰ ਨੇ। ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਦੌੜਦਾ ਵੀ ਬੜਾ, ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ, 70 ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ, 125 ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈਵੀ ਬਾਈਕ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਹਤਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 125 ਲੈਣਾ ਯਾਮਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ GDX ਨਾ DX ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਆ ਮੈਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਲਵੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ, ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਊਲ ਐਵਰੇਜ, ਫਿਊਲ ਦਾ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਬਕਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਗੇਜ ਵੀ ਦਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਊਲ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ 125 ਹੁੰਦਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਸਵਾਏ ਇੱਕ ਤੋਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਮਾ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਮਨ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆ ਰਨਿੰਗ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਰਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਸਾਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ 50-60 ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ 70 ਤੱਕ ਨਸਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਸਾਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਸਾਉਣਾ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਾਂਗਾ ਰੇਸਾਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਲੋ ਆਪਣੀ ਨਾਲ, ਇਹ
जिन्ना तुसी आसानी नाल इहनूं स्पीड नूं कंट्रोल कर सकते हैं उन्ना चलाओ, इहदे ते शैतानी काम ना करो, रेसा ना लाओ। अपनी जिंदगी जिंदगी जिहड़ी बार बार नहीं मिलनी, बहुत जिहड़ी कीमती जिंदगी है और बहुत प्यारी जिंदगी है, दोबारा कोई नहीं मिलनी। तो मेहरबानी करके जिस काम वास्ते बनाए गए उस काम वास्ते इस्तेमाल करो, इन्हां नूं अपनी सवारी वास्ते इन्हां नूं नसाओ ना, रेसा ना लाओ, सुकून ना जिन्ना तुसी कंट्रोल कर सकते आसानी ना उन्ना बस रखो इहदी स्पीड। अगर तुसी 60-70 ते आसानी चला आसानी ना रख सकते तो 60-70 चलाओ इन्हूं। मैं तो 60-70 ते मेरे मूँह एवं निकल गया, मैं तो 60 तो उत्ते कदे गई 60 ते भी स्पीड जावां तो मैं इंजन दा जिवें बड़ी स्पीड ना जा रहा ना, 70 जिहड़ा मैं 40 तो उत्ते 45 तो नहीं लैके जाता, क्योंकि यह जिहड़ा वड्डा मोटरसाइकिल हैवी बाइक च गिणिया जाता इहदी जिहड़ी एनर्जी 50-60 स्पीड इंजन दा जिवें 70 दी 30-35 स्पीड है, इहदी स्पीड जिहड़ी महसूस नहीं मिलती। हैवी बाइक 70 जिहड़ा वो 60 ते जांदा ते वह फिर थानू पता बहुत हल्का मोटरसाइकिल जंपा जी, फिर वो कोई जंप आ जाए कंट्रोल करना औखा है, हाँ जी कोई अचानक चीज़ सामने आ जाए उन्होंने कंट्रोल करना बड़ा औखा है, बहुत हल्की मोटरसाइकिल 70 जो ये तो बस ये है 10-20 किलोमीटर तक जरा ना आसानी ने बंदे ने चला सकता तो थकावट भी नहीं होती। लेकिन हैवी बाइक जरा 60-70 किलोमीटर भी जाना तो थानू कोई महसूस नहीं होना, ना थकावट होगी तो ना ही थानू सफर च देर लगेगी, ये क्योंकि इन्हें घट तो घट भी 60-70 तो चलना। अगर कोई चलाने वाला होवे तो 80-90 तो भी लग जाते हैं, लेकिन मैं उन्हां चो नहीं हाँ चलाने वाले चो, मैं तो सिर्फ ना 60-50 तक जाने वाला। तो इस वीडियो में हम मेरी अगर चंगी लगे तो लाइक जरूर कर दौ, इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो पावांगे तो इंशाल्लाह ताला अच्छी वीडियो बनावांगा, मैं किसी अच्छे मौजू ते बनावांगा। तो तुसी मेहरबानी करनी वीडियो जरूर देखना, देख के इन्हें सबसक्राइब लाइक शेयर जरूर करना और अपने कमेंट्स भी दे करो कि मेरी वीडियो जिहड़ी है जिहदे च कोई खामी इहदे च कोई नज़र आवे वह भी दस्या करो, अगर बेहतरी का कोई अच्छी चीज़ नज़र आती उहदी कमेंट्स तारीफ भी करदे करो। कुछ नहीं जाता, 2-4 लफ्ज़ लिखने ने, नैट ते वैसे तुसी खोलिया हुंदा बैठे हुंदे हो, ते मेहरबानी करे करो अच्छे कमेंट्स दिया करो, ते सानू भी साढ़े भी हौसले वधदे ने अच्छे कमेंट्स आने नाल, सबसक्राइबर ज़्यादा आन साढ़े होर हौसले बुलंद हुंदे ने, क्योंकि थोड़े नाल ये वीडियो चलती है। अगर तुसी इहदा साडा साथ नहीं दिंदे ते सबसक्राइब नहीं करते शेयर नहीं करते कमेंट्स नहीं करते तो फिर वीडियो सानू बनाने का फायदा ही कोई नहीं, तो ना साडा दिल करता, असीं तुहाडे सिर ते ही सारा कुछ करते हैं। तो वीडियो देख के जरूर कमेंट्स करना ये की खामी है तो की अच्छाई है, इंशाल्लाह अगली वीडियो जी है ना जी वो अच्छी बनावांगे, अच्छे मौजू ते बनावांगे। मेरे को दरअसल टाइम बहुत घट होंदा इस वास्ते मैं वीडियो देर ना पाउंदा, तो दूसरा मैनू कमाई का कोई नहीं अलहमदुल्ला, गवर्नमेंट जॉब मैं करना तो मैं तो सिर्फ शौकिया वीडियो बनाना, तो तुसी भी शौकिया देख के सबसक्राइब करते करो लाइक करते करो शेयर करते करो कमेंट्स अच्छे दे करो ताकि मेरा हौसला बुलंद हो। इतने मैं अपनी हम वीडियो ख़त्म करना, तो मेरी तरफ तो जी सारे अस्सलाम वालेकुम।